कार्तिक की झलक, थोड़ी सी नायरा की झलक, दोनों है ना कायरव में। और कायरव हमारे कार्तिक और नायरा दोनों के लिए कितने इम्पोर्टेंट है कहानी में ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये कायरव आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है ना ये भी हम जानते हैं। इसलिए कायरव यानी कि तन्मय शाह से ना आपकी कराने वाले हैं बहुत ही खास मुलाकात। अच्छे से जान पहचान कर लीजिए, देख लीजिए कि ये जो कायरव स्क्रीन पे दिखते हैं वो असल जीवन में कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, उनके जीवन के बारे में सब कुछ पता लगा लीजिए। कर लीजिए तन्मय शाह के संग एक मस्ती भरा डे आउट। नारा का लाडला, दादी का दुलारा, पापा मम्मी का प्यारा, मिलिए कायरव सिंघानिया से जो है 6 साल के, लेकिन इनका रियल नाम है तन्मय शाह, जो देखिए वरुण धवन की तरह डांस करते हैं, नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, सुबह सुबह उठकर दूध पीते हैं और सबसे बड़ी बात बिल्कुल हैरी पॉटर जैसे दिखते हैं। सास बहू बेटे आज आपको मिला रहा है कार्तिक नायरा के प्यारे बेटे कायरव से। कैसी है टीवी के नन्हे बाल कलाकार की रियल लाइफ जिंदगी, कैसे सुबह उठकर दूध पीते हैं, कैसे खिलौनों से खेलते हैं, कैसे सुबह सुबह नहा धोकर मम्मी के साथ अटखेलिया करते हैं, अपने पापा के प्यारे हैं और अपनी फैमिली के दुलारे हैं। रियल लाइफ में है बड़े ही संस्कारी, सुबह सुबह पूजा करते हैं, फिर तैयार व्यार होकर निकल पड़ते हैं गाड़ी में सवार होकर अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां पर तैयार व्यार होकर इतनी बड़ी सी सिंघानिया फैमिली के साथ ये त्योहार मनाते हैं। कार्तिक के साथ डांडिया खेलते हैं, मम्मी नायरा को प्यारी सी पपी देते हैं और इनके ढेर सारे सीरियल के साथी हैं। पर ये सब इनके सीरियल में आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा तो सिर्फ सास बहू और बेटिया में, क्योंकि आज वो तन्मय शाह यानी कायरव के साथ कर रहा है ओरिजिनल वाला डे आउट, दिखाएंगे इनकी रियल जिंदगानी। तो सीधा चलते हैं कायरव यानी तन्मय शाह के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग। भाई जब हम कायरव के घर पहुंचे तो जनाब सो रहे थे और मम्मी ने उन्हें हमारे आने पर उठा दिया। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। पर सुबह उठते ही अच्छे बच्चे की तरह कायरव दूध पीते हैं, लेकिन दूध पीने के लिए नखरा बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बच्चा करता है। गरम करो यार। तन्मय नहीं है, ठीक है, है? नहीं है। अब पीकर देखो खुद। गिलास से पकड़ भाई, ठंडा लग रहा है। नहीं लग रहा राजा। लग रहा है। रोज की तरह है, डेली की तरह। नहीं है। नहीं आप ट्राई करो, ठंडा है। नहीं है। वैसे कायरव का रूम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उनके ढेर सारे खिलौने हैं, तो जरा देखते हैं कायरव की दुनिया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। कार है जो इतनी तेज जाती है, इससे भी फास्ट है, मैं लेकिन इसको ही जिताता हूँ। ये मेरी सुरभि का नाम है मम्मी का, और ये तन्मय का नाम है मेरा नाम। 3 कैप और 1 शील्ड, 1 बॉन एरो और 1 स्वॉर्ड, 1 नाइफ, 1 और स्वॉर्ड, 1 गन। ये मेरे मेडल्स हैं, 2 मेडल्स। मुझे सेकंड मैं स्केटिंग में जाता हूँ और मुझे सेकंड मेडल मिले हैं 2। इधर था मेरी गन्स थोड़ी, और ये मेरी फेवरेट गन्स हैं, और यहाँ पर है लैपटॉप, और यहाँ पर भी है
कार्ड और यहाँ पर है गंज का। ये मेरी अलमेरा है, उसके अंदर बहुत सारे टॉयज है। इस अलमेरे का बनाया था हमने। ये मेरा पियानो है, इसको कैसे भी बुलाते हैं। और ये माइक है, मतलब ये रेजर वाला माइक है। और मेरी बहुत सारी कार है, ये हेलीकॉप्टर है और ये ड्रोन है जोड़ता है। इसके पास 4 विंग्स है और हल्क है वहाँ पर थॉर के साथ और स्पाइडरमैन है बीच में। वह सुबह उठते ही तन्मय अपने पापा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और पापा तन्मय के साथ खेलते हैं ढेर सारी गेम्स। वैसे कार्तिक नारा का लाडला हमें अपनी एल्बम दिखाना चाहता है जिसमें उनकी लाइफ के और बचपन के ढेर सारे फोटोग्राफ्स हैं और उनके अचीवमेंट्स की भी। मुझे हैप्पी बर्थडे का एल्बम दिखाना है। भाई अब वक्त है तैयार होने का, तो कारव नहा धोकर तैयार है और जरा देखिए तौलिया पहनकर कैसे सांवरिया बन गए। मैं नहाकर आ गया। वैसे रियल लाइफ में बड़े ही संस्कारी है नन्ना सा ये बच्चा। नहा धोकर सबसे पहले भगवान की आराधना करता है। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अब वक्त है ब्रेकफास्ट का और ये ब्रेकफास्ट करते हैं अपने फैमिली के साथ। वही जहाँ दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तन्मय जाता है अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। तो चलिए मम्मी रेडी हैं, तन्मय रेडी हैं, सवार हो जाते हैं इनके साथ इनकी गाड़ी में। तन्मय रहते हैं मुंबई के गोरेगांव इलाके में और उनके सेट तक जाने में बस 15 ही मिनट लगते हैं। लेकिन इन 15 मिनट में तन्मय ने हमें अपना अनोखा अंदाज दिखाया। देखिए टोपी लगाकर कैसे वरुण धवन बन गए। भाई लगता है वरुण धवन से काफी इंस्पायर्ड है। गाड़ी में हंसते खेलते मस्ती करते हुए आखिरकार वो पहुंच गए अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। सीधा चलते हैं तन्मय के मेकअप रूम में। वो स्मॉल सा माउस और लुक साइकिल एंड लुक तन्मय
वैसे उनका मेकअप रूम काफी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बच्चों के अंदाज में सजा हुआ। ये है पैंथर, ये है लायन। ये वाली फोटो मैंने खुद लगवाई थी और ये मेरी फेवरेट, ये मैंने फोटो शूट किए थे उसके पिक्चर, तो पापा ने भी थोड़े फोटो शूट कर लिए थे। और ये मेरी स्टाइलिश का, वहाँ भी सेम का। अभी तो मैं तन्ने था, अब आप कायरव देखना। कायरव बनने के लिए मुझे क्या पहनना होगा? नवरात्रि ड्रेस। तो मैं फटाफट से चेंज करता हूँ। अब वक्त है तैयार होने का। भाई आज सिंघाना परिवार में मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार, इसलिए आज कायरव को ये गुजराती ड्रेस पहननी है। मैं चेंज हो गया और मैं नवरात्रि की ड्रेस में आ गया। चलो अब डांस करेंगे। उनके फ्रेंड यानी कजिन वंश ने भी उन्हें ज्वाइन किया और ये दोनों बच्चे सेट के जय और वीरू हैं। अब जरा चलते हैं सेट पर। ऐसी धोती है उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है। जहाँ पर उनके पापा कार्तिक उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई नवरात्रि का माहौल है तो देखिए बाप और बेटे कैसे डांडिया खेलते हैं। हैप्पी नवरात्रि गाइस। और मेरा डांस करते हुए लाइट ही खुल गई मेरी डांडिया की। बहुत ही वेल मैनर्ड बच्चा है एंड माशाल्लाह ऑल क्रेडिट्स टू द फैमिली, टू द मदर हुज हियर एंड वेरी नाइस अपब्रिंगिंग। और इंशाल्लाह बड़ा होकर बहुत प्यारा हो, ऐसा ही रहे। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी, पता है कि नहीं आप लोगों को? किसी को बताया कि नहीं? मम्मा के सामने बता सकता हूँ? कोई सी भी नहीं है। कब है? अच्छा एक जो थी दिल्ली में जो मेरा जो ये जो छोटू है इसकी दिल्ली में एक गर्लफ्रेंड, नाम बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नहीं बोलो तो हम नाम नहीं बता सकते, पर उसका नाम एन से शुरू होता है, हम बता नहीं सकते, नाम नहीं बता सकते। बहुत ही इंटेंस और ड्रामा सीन्स होते थे। ये बच्चे ने भी रोया है और एक्चुअली रोया है इसने सीन्स में, क्योंकि इतने से बच्चे को यू कांट गिव ग्लेज, यू कांट डू दैट, सो ही इज़ एक्चुअली क्राइड इन द सीन्स एंड ही इज़ डन वेरी वेल। अब जाके थोड़े से क्यूट वाले सीन्स आए हैं फादर सन के, साथ में ब्रश कर रहे हैं हम लोग, सो दे वर फन टू डू यार, और बहुत मज़ा आता। अब बारी है कारव की उनकी ऑन स्क्रीन मम्मी नायरा से मिलने की। नायरा उनकी सहेली है। आती है तुम्हें तारीफ करना? आता है? अच्छा अब करो तुम। नायरा दीदी बहुत स्वीट है। हाँ। और उनकी ड्रेस एकदम हमारे जैसी सेम सेम है। नहीं बेटा सेम है। सेम नहीं है। सेम है। चलो ठीक है। कायरव और मेरी सेम है, लेकिन नायरा मुकुट भी सेम है। मुकुट नहीं है ये, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब वक्त है सिंघानिया परिवार के बाकी मेंबर्स से मिलने का, जिनमें शामिल है उनकी यंग सी दादी सुवर्णा। मैं दादी हूँ आपकी? हाँ दादी हूँ मैं आपकी। बट ही इज सच अ क्यूट बॉय, दिखता बहुत ही एकदम शरीफ है लेकिन बहुत नॉटी है, बहुत शरारते करता है सीन में, है ना? और वंश के साथ तो मतलब सीन में पूछो मत, दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं कि हंसो मत, अरे हंसो मत। और भाभी माँ वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही गुड लुकिंग है, स्वभाव से बहुत ही अच्छे हैं। एक चीज़ मैं मिस करती हूँ, अगर उन्होंने अपनी लाइंस अच्छे से याद की ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। थैंक यू।
Thank you, cutie pie. Absolute, absolute sweetheart. Very happy to have him on set. हम लोग सब बहुत खुश हैं जब भी आता है. He lights up the place. He has a very loving and very happy go positive nature जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है on set. इसके बाद वक्त हुआ लंच का और लंच पर हमें कायरव के कुछ और मस्ती भरे अंदाज देखने को मिले. और मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मतलब पॉपकॉर्न. एप्पल, इडली सांबर इज देयर, छोला भटूरा इज देयर, लेकिन भाई साहब को क्रैक्स में ही मजा आ रहा है. क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? हाँ, इसको रिंग्स में ही मजा आ रहा है और उतना सारा खाना वहाँ पे रखा हुआ है एंड इज नॉट ईटिंग इट. मैंने अनार खाया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनार. पाव भाजी, इडली, डोसा. अनार ज्यादा हेल्दी होता है. अच्छा, हेल्दी फूड आता है. ठीक है. वैसे सेट पर ही कायरव यानी तन्मय अपनी पढ़ाई भी करते हैं, यानी शूटिंग के साथ साथ पढ़ाई भी चलती है. ये थे साइंटिस्ट. ये झोपड़ी में पैदा हुए थे फिर भी इतने होशियार निकले. वो टीचर बने थे और साइंटिस्ट बने थे और प्रेसिडेंट बने थे. और तो देखा आपने टीवी के इस बाल कलाकार की रियल लाइफ जिंदगी, कैसे शूटिंग करता है, सबका दुलारा है, पढ़ाई भी करता है, मस्ती भी करता है और सबका दिल बहलाता है. कितना मजा आया आज आपको हमारे साथ. बहुत. क्या क्या किया हमने? बहुत सारी मस्ती की ना. बहुत सारी. बहुत सारी. और बहुत सारा खाया भी है ना. हाँ. और सबसे मिले भी है ना. हाँ. और गेम्स भी खेले. हाँ. So I'm sure कि आपको तन्मय के बारे में ऐसी कई सारी बातें मालूम चली होगी जो आपको कहीं नहीं पता लगेगी. सो देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ और ढेर सारा प्यार आपके कायरव को देते रहिए. कैमरा पर्सन स्वराज के साथ श्रुति बरजात्या, मुंबई आज तक. बाय.